जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन में हम लोग एक टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाली छोटी सी कंपनी टुन्नी टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट कॉर्ड में टुन्नी टेक्सटाइल्स के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। एक लंबा ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला है और ब्रेकआउट होने के बाद अब इस स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस कंपनी का नीचे आ रहा है और नीचे आने के बाद फिर प्राइस उठने भी लगा है। तो अब हम इसकी रणनीति समझेंगे कि जब प्राइस उठने लगा है तो क्या हमें यहाँ पर उठाना चाहिए प्राइस, जो लोगों के पास पहले से स्टॉक है क्या उन्हें इसमें हेजिंग करना चाहिए, और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए भी क्या रणनीति होनी चाहिए इस स्टॉक में, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। शुरुआत शुरू से करते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन 4% के आसपास तेजी इस स्टॉक में एक दिन में देखने को मिल रही है। हालांकि इस तेजी में अभी स्टॉक चल रहा है, और जैसे मैं अपने हर एक टेक्सटाइल वाले वीडियो में बताता हूँ, टेक्सटाइल सेक्टर बूम करेगा भारत में, तो उसमें काम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं सभी के शेयर प्राइस में तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर में जो कंपनी काम करती है उसमें भी बहुत सारा मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है समझिए, और अलग अलग काम करती है। तो ये जो कंपनी है सिंथेटिक ग्रेप फैब्रिक्स बनाती है। फैब्रिक का मतलब हो गया वो बेडशीट वगैरह बनाना, टेक्सटाइल से संबंधित जो चीज़ें होती है उसमें कपड़ा वगैरह बनाने का भी काम होता है। तो काम के भी यहाँ पे भी ठीक है, और ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ये कंपनी है तो इसमें ग्रोथ रहेगा ही रहेगा। फंडामेंटल समझे तो तकरीबन 25 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, बहुत छोटी कंपनी है। स्टॉक का पी थोड़ा सा महंगा है, वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो शेयर प्राइस महंगा ही है, लेकिन यहाँ पे शेयर प्राइस चूंकि आपको सिर्फ 2 रुपये के आसपास दिखेगा तो आपको लगेगा कम है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अभी भी स्टॉक महंगा है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि बुक वैल्यू से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो शेयर प्राइस ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव बात है। हालांकि यहाँ पे रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो तो पॉजिटिव में है, लेकिन आरओई देखेंगे ये निगेटिव में है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी इस स्टॉक में तेजी आ रहा है, और तेजी आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल भी कंपनी का मजबूत हो रहा है। जब फंडामेंटल मजबूत आ रहा है, स्टॉक में तेजी आ रहा है, तो जो कंपनी का आरओई अभी माइनस में है उस समय में यह भी प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, इसलिए ये इतनी चिंता की बात नहीं है। अब चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर समझते हैं कि जो व्यक्ति वंचित रह गए इस स्टॉक को लेने से उन्हें कहाँ पर इसमें उठाना है, और जिसको एवरेजिंग करना है वो कहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं। तो अभी देखिए 1 साल के चार्ट पर आए हैं। 1 साल के चार्ट पर यदि आप स्पष्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्टॉक लगातार लोअर लो बनाते जा रहा था, और यहाँ पे नवंबर में देखेंगे तो इस स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ, और एक तगड़ा ब्रेकआउट हुआ। सीधे इस कंपनी का प्राइस 1 रुपये 1.5 रुपये से लेकर तकरीबन 2.5 रुपये तक जाते हुए आपको दिखा। तो देखिए अभी क्या है कि इस स्टॉक में देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जब भी यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, और जब भी कोई प्राइस स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है लंबे ब्रेकआउट के बाद, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होता है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होने के बावजूद प्राइस नीचे आया, और उसके बावजूद आप देखेंगे तो प्राइस फिर से उठने भी लगा है। तो जैसे जैसे ये प्राइस अब ऊपर उठ रहा है तो फिर से यहाँ पर नए बायर्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जिनको नई नया जो बायर है वो भी एंट्री ले रहा है, और जो एवरेजिंग कर रहे हैं उसके बदौलत भी स्टॉक में तेजी आ रही है। ये प्राइस अब फिर उठेगा, फिर पहले यहाँ तक आएगा 2 रुपये 20 पैसा तक, और इसके बाद फिर ऊपर निकलेगा, तो इसलिए ये 2.5 और 3 रुपये तक आपको जाते हुए दिखेगा। यानी कि यदि कोई नया व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड है तो अभी सही समय है, उसमें अपने रिस्क लेने की जो भी कैपेसिटी उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक बढ़िया है, एवरेजिंग करने वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अब स्टॉक में तेजी बनी रहेगी, और अगले साल चूंकि चुनाव भी है तो शेयर बाजार में भी तेजी बनी रहेगी, तो उसका भी असर इस स्टॉक पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल तेजी का माहौल है, तेजी के माहौल में आप भी हाथ धोते रहिए। क्वार्टरली रिजल्ट को यदि हम डिस्कशन करें, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट से ये पता लगता है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मजबूत हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले देखेंगे हम लोग बात करेंगे सेल्स का, तो देखिए कंपनी का जो सेल्स है पिछले कुछ क्वार्टर में आपको जबरदस्त तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखा है। पहले जहां 7-7 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट सेल्स होता था, अब वो बढ़कर तकरीबन 10 करोड़ 11 करोड़ का होने लगा है। और सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है, जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है यानी कि जो मेन बिजनेस से कमाई होता है वो भी आपको लगातार इंक्रीज करते हुए ही दिख रहा है। और इसी के बदले जो कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि टैक्स वोक्स देने के बाद कंपनी के पास पैसा बच रहा है कि नहीं, तो देखिए नेट प्रॉफिट भी कंपनी का, हालांकि पिछले एक क्वार्टर को छोड़ दे तो बाकी क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए दिखा, और अभी तो क्वार्टर 3 के क्वार्टर 4 के नंबर आने बाकी हैं, तो उसमें भी कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए ही दिखेगा। बाकी यदि हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में ये पता लगता है कि इसमें कंपनी के प्रमोटर्स इंटरेस्टेड है कि नहीं, तो देखिए जो कंपनी के मालिक हैं उनके हिस्सेदारी तकरीबन 22% के आसपास है, तो ये बढ़िया है कि जो जिसका कंपनी है वो भी इसमें इंटरेस्टेड है और उसको अपनी कंपनी पर भरोसा है, इसलिए वो इसमें बना हुआ है।
बाकी दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कंपनी में थोड़े से DII, थोड़े से पब्लिक तो होते ही हैं, थोड़े से DII के बेसिस आधारित से स्टॉक में है। क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये स्टॉक है तो जाहिर सी बात है जो विदेशी निवेशक या जो अपने देश के भी निवेशक होंगे उनकी हिस्सेदारी भी इसमें होना लाजिम है। ओवरऑल कंपनी टेक्सटाइल लंबी अवधि के निवेश के लिए भी काफ़ी बेहतर है, इसमें आप निवेश की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।